बात बोली है इसमें कि जब आप इनकॉम्पिटेंट अफसरों को डीजीपी लगा दो, देखो सबको पता था कि ये यूपीएससी के पैनल में नहीं आएंगे, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया, उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती। जब उनके लिए आप रास्ता ढूंढ सकते हो और, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? वो इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये प्राइम बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना। नहीं तो अगर पीपीसीसी प्रेसिडेंट जाता, आपने कोई खबर आई है कि 20 मिनट किसी सड़क के ऊपर फंसे हुए थे जीटी रोड पे? प्राइम मिनिस्टर कैसे फंस गए? सो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो एक प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरे में डाल सकता है, मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं, मैंने तो एक नॉर्मल उदाहरण दिया है और मैंने फैक्ट्स के साथ बात करी है। आफ्टर ऑल आज चन्नी साहब ने उनको हटा दिया, पहले यूज करा, अब यूज एंड थ्रो करा। क्या लगता है कि इससे और इसकी अगर जब इंक्वायरी सही होगी तो आप देखोगे कि इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी जी अलोन, इट्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आपने सारी दुनिया में मजाक उड़ा दिया है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स थी। So, मेरा तो ये फंडामेंटल सवाल है कि जो लोगों इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में थे आप उनके तक पहुंचो ना सर, पंजाब ये जो क्योंकि ये प्लानिंग और प्लॉटिंग चीफ मिनिस्टर और पीपीसी के दफ्तर में हुई है, पंजाब को काफी होम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट से हुई पंजाब को।